पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब दीयां सारियां विरोधी पार्टियां दे आगुआं नूं 1 नवंबर भावके पंजाब दिवस मौके SYL ते पंजाब दे नाल संबंधित होर कई मुद्दियां दे उत्ते खुली बहस दे विच हिस्सा लैण दी चुनौती दित्ती है। इह तों पहलां भी कई विरोधी धिर दे नेतावां ने मुख्यमंत्री दी चुनौती ते सवाल चुके सी, पर हुण घट पर तोल के बोलण वाले पंजाब कांग्रेस दे साबका प्रधान ते सीनियर आगू नवजोत सिंह सिद्धू दी एंट्री हो चुकी है। पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान ते सीनियर आगू नवजोत सिंह सिद्धू ने हुण भगवंत मान दे वल्लों सूबे दे मुद्दियां दे उत्ते विरोधी पार्टियां नूं पंजाब दिवस भाव के 1 नवंबर नूं दित्ती खुली बहस की चुनौती वाले मामले च एंट्री मार ली है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब दे राजपाल दे वल्लों मुख्यमंत्री नूं सूबे की आर्थिक स्थिति बारे लिखे पत्र ते पुछे गए सवालों बारे ट्वीट किया है, जो कि अंग्रेजी दे विच लिखिया होया है। राजपाल दे बीते दिन भेजे गए पत्र नूं नाल नथी करके ट्वीट करदे आ सिद्धू ने मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं पुछया है कि की तुसीं सूबे नूं वित्तीय एमरजेंसी वर्गी स्थिति वल ले जाण दे मुद्दे ते साडियां आउण वालियां पीढ़ियां दे नाल बहस करन दी हिम्मत रखदे हो। नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं भगौड़ा मुख्यमंत्री भी कह दिता है। उन्होंने कहा कि पंजाब च रेत शराब ते केबल वर्गे माफिया नूं सुरक्षा कौण दे रहा, सूबे दे मालिए नूं माफिया दे वल्लों लुट्टिया जा रहा है ते सरकार आम जनता दे लगाए हुए टैक्सा ते उधार दे पैसे ते चल रही है। सिद्धू ने दस्या है कि पंजाब सिर करीब 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा है ते राजपाल दे वल्लों लिखी गई चिट्ठी तो यह सारा झूठ सामने आ गया। जिक्र खास है कि 1 नवंबर भाव के पंजाब दिवस मौके पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब दीयां तमाम विरोधी पार्टियां दे आगुआं नूं SYL ते पंजाब दे नाल संबंधित होर सारे मुद्दियां दे उत्ते खुली बहस दे विच हिस्सा लैण दी चुनौती दित्ती है। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।